So, my dear friend, if you believe, then automatically your thinking will change, your feeling will change, and your action will change. And take charge all of these things. Yes, dare to dream big. हम जहाँ हैं, अगर वहाँ से हम निकलने की इच्छा नहीं रखेंगे, नथिंग विल चेंज. आपकी जो हायर वर्जन है, आपकी जो डिज़ायर है, या आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. बस आप उसको मांगो तो सही. अगर आप रिक्वायर ही नहीं रखोगे, एक्चुअली और रिक्वायरमेंट्स आर डन, पर आप उसको बोलोगे ही नहीं, अपने आप को चेंज ही नहीं करोगे, तो कैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी? क्योंकि आप बोलते हो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं खुश हूँ, तो आपने सारे दरवाजे ऑलरेडी बंद कर दिए. ना ही आप चेंज होना चाहते हो, और यूनिवर्स भी वो चीज़ें आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि ये लॉ है. आप जैसा वाइब्रेट करोगे, जैसा सोचोगे, वैसी ही चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में. यस माई डियर फ्रेंड. और आप नहीं तो बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि नहीं नाम की चीज़ तो यूनिवर्स समझता ही नहीं है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं नाम की चीज़ नहीं समझता है. अगर आप बोलोगे ये मैं नहीं चाहता हूँ, और बार बार वही बात कर रहे हो, वहीं आप अटेंशन दे रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी. क्योंकि लॉ बोलता है जहाँ आपका फोकस जाएगा, जहाँ आपका टेंशन जाएगा, जहाँ एनर्जी जाएगी, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. तो यस माई डियर फ्रेंड, आपको बिलीव रखना है, और बिलीव तभी बनता है जब आप पॉजिटिव चीज़ें ही सोचोगे, नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ना ही वैसे लिटरेचर पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपकी सॉलिड पक्की बन जाती हैं. और कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ये चारों पिलर वैसे ही काम करते हैं. मीन्स आपकी जो थिंकिंग है, फीलिंग है, एक्शन है, एंड बिलीव्स हैं, ये चारों पिलर जब एक साथ काम करते हैं, और ये एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन होता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जादू की तरह काम करने लगता है. यस माय डियर फ्रेंड, पूरा ब्रह्मांड भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा जैसा आप बिलीव करोगे. आप अगर बिलीव करोगे कि जादू होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी जादू होने शुरू हो जाएंगे. अगर आप बिलीव करोगे मनी कम्स वेरी इजी इन माय लाइफ, तो आपकी लाइफ में पैसा बहुत इजीली आएगा. हम जो बोलते हैं बार बार, वही हमारी बिलीव्स बन जाते हैं, और फिर वैसा ही होने लगता है. यस माय डियर फ्रेंड, सो बिलीव एंड यू शैल रिसीव. सो बिलीव एंड यू शैल रिसीव. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हम जिस पे भरोसा करते हैं उसको हम पा सकते हैं. एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. मनी क्विकली कम्स इन बाय कैथरीन पोंडर. आज मैं आपको कैथरीन पोंडर की एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ. एक्चुअली ये सिर्फ 3 सेंटेंस ही उनकी लाइफ में उसको यूज करके उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर मैनिफेस्ट किए. अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल लाइफ उसको अट्रैक्ट किया. यस माई डियर फ्रेंड, हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं. हम किस तरह के शब्द बोल रहे होते हैं, वही इमोशंस फीलिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस शब्दों के पीछे जो हम मीनिंग लेते हैं ना, दैट इज मोस्ट पावरफुल थिंग. तो सिर्फ ये 3 सेंटेंस बोल के आप अपने वाइब्रेशन को पूरे दिन हाई रख सकते हो, और फिर हाई वाइब्रेशन का चमत्कार आप देखिए, आपके जीवन में हर एक चीज मैनिफेस्ट होने लगती है. कई चीज़ें तो हमको पता ही नहीं रहती कि ये हमारे गुडनेस के लिए अच्छी है, पर वो भी आने लगती हैं आपकी लाइफ में. तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 सेंटेंस हैं. पहला सेंटेंस है आई एम रिसीविंग, सेकंड है आई एम रिसीविंग नाउ, एंड थर्ड है आई एम रिसीविंग ऑल द वेल्थ दैट यूनिवर्स हैज फॉर मी. यस माय डियर फ्रेंड, ये तीनों सेंटेंस को एक के बाद एक फीलिंगली, लविंगली, क्वाइटली बोलना है. कई बार मैं सोचती हूँ कि सारे दिन बोलते हैं ना, एवरी सेकेंड को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर मोमेंट में खुश रहना चाहिए, बट हम डेली रूटीन में इतने सारे काम कर रहे होते हैं, तो काम के दौरान तो हम काम में फोकस रहते हैं, बट उसके आगे पीछे भी बहुत सारे इमोशंस हमारे
दिमाग में रहते हैं कि इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, या मैं लेट हो रही हूँ, या फिर मुझे इससे बात करनी है। और जब हम किसी से बात करने लग जाते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू कई बार हम कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या हम भूल जाते हैं। तो उस समय कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखा जाए, या कैसे हर मोमेंट में खुश रहा जाए, ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि जब हम इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तब तो ठीक है, पर बीच बीच में कभी कभी अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो अचानक से वो चीज क्लिक भी हो जाती है कि मुझे इनकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाना है, हमको अपने आप को सेपरेट रखना है, और उसको एज ए, जैसे बोलते हैं ना, साक्षी या दृष्टा बन के देखना, एज ए ऑब्जर्वर उनकी कंप्लेन सुनना है, उनको जो भी सॉल्यूशन है वो देना है, बट इन्वॉल्व नहीं होना है। और ये कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस धीरे धीरे आ जाती है। जब हमारा सुबह हम उठते साथ ये इंटेंशन सेट कर लेते हैं कि आज पूरे दिन इस तरह से रहना है, जैसे हैप्पीनेस में रहना है, या अप्रिशिएट में रहना है, या थैंक यू गिविंग में रहना है, इस तरीके से जब आप इंटेंशन सेट कर लेते हो सुबह, तो बार बार आपका दिमाग वो क्लिक करता है। देखो, आप सोने से पहले एक दिन बोल के देखिए कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, देखिए आप बिना अलार्म के भी आपकी 5 बजे नींद खुल जाएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब कुछ कोशिश करते हैं हार्मनी में काम करने की। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी, जो बॉडी की रहती है, वो भी हमारा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। यूनिवर्स तो हमारे लिए पूरे टाइम काम कर रहा होता है, इसीलिए जब हम ये शब्द, अच्छे शब्द यूनिवर्स में डालते हैं तो यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें हमको देता है। तो मैंने ये चीज़ आजमाई कि जब भी हमको 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिले अपने काम के बीच में, रूटीन के बीच में, तब हमको इधर उधर की बात सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली एक सेटल मोड में चले जाते हैं, एकदम न्यूट्रल काइंड ऑफ मोड में चले जाते हैं। डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो उस समय आपको तुरंत ही इन तीनों सेंटेंस को बोलना है। और मैंने खुद आजमाया, जैसे मैं ड्राइव करते हुए गाड़ी से घर आ रही हूँ तो भी मैं 5 मिनट में अगर ये बोल लेती हूँ तो सडनली मेरे वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं। तो इस तरीके की, अगर आपका कहीं भी, आप जहाँ जॉब पे जाते हो, काम करते हो, घर में कभी भी ब्रेक मिलता है, तो ये तीनों सेंटेंस को दोहराओ, यस माय डियर फ्रेंड, ये तीनों सेंटेंस लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है। और आप इसको चाहो तो 10 मिनट तक भी रिपीट कर सकते हो, जब आप टहलने जाते हो तब इसको करके देखिए, सडनली यू विल फील अमेजिंग। और जीवन तो आपका बदलते देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी आपके मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, तो ये कैथरीन पोंडर के 3 सेंटेंस आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। एंड प्रैक्टिस ऑल 3 सेंटेंस एंड यू विल सी आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।